भाई कमाल से घास निकालने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। यहाँ जी बहुत बड़ा सांप रहता है, कभी आमना सामना तो हुआ नहीं उससे। इतना गंद निकला है भाई टेस्ला भर के। जी रात का 3:30 बजे का टाइम है और बारिश स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज कोई काम धंधा मुझे है नहीं, वेला बैठा हूँ। सिर्फ मैं वेला हूँ, लड़के वेले नहीं हैं, उनसे मैं काम करवाऊँगा जाके ज़मीनों पे। गांव में हूँ, अभी जा रहा हूँ रकबे पे, और जो उसकी चावलों की पनीरी जो है मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा लगा लूँ। रात उसको खाले में फेंकते हैं जाके थैले को, सारी रात बिकता रहेगा, सुबह उसको फिर छटा लगाएंगे। तो अभी बस मैं उसको लेके चलता हूँ, क्योंकि लड़का खाद लेके पहुँच गया वहाँ पे, अभी मैं निकलता हूँ पीछे। यार बारिश के बाद कितनी ग्रीनरी जो है ना नज़र आ रही है, पत्ते जो बिल्कुल धुल गए हैं रात बारिश हुई तो कम है इधर, लेकिन ना बड़ा ही VIP सा माहौल बन गया है। हवा भी ठंडी सी चल रही है। वैसे जो आज भी प्रडिक्शन है बारिश की, देखते हैं होती है कि नहीं। पहले मैं अपना वो कैंपिंग टेंट लेके आना चाह रहा था इधर, मैंने कहा रात को ना यहाँ लगा के सोएंगे, लेकिन मिट्टी बहुत यार गर्मी बहुत है, सर्दियों में देखेंगे। भाई कमाल से घास निकालने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। ये भेड़े जो नज़र आ रही है ना, कमाद का पौधा नहीं खाती, घास खा लेती हैं इसमें से। यार गंद बहुत ज़्यादा है कमाद में, जड़ी बूटियाँ वगैरह, तो इसलिए मैंने ना आज भेड़े इसमें चरवा दी। मैंने कहा जी खवाओ भेड़ा नूं। वैसे यार भेड़ का ना दूध बड़ा मज़े का था, मैं पिछले दफ़ा मैं जब आया था ना इनसे एक बोतल भरवा के ले गया था, तो भाई चस करा दी उसने। अभी पूछता हूँ आज दोबारा दे दें अगर एक बोतल। वो जो भाई सामने बंदा जा रहा है ना वो चला गया, इसको यहाँ पिंड में पूपली कहते हैं, इसका नाम है पूपली। वैसे तो बेचारे का नाम अब्दुल खालिक है, इसको पूपली कहते हैं, वो इसी में खुश है। जी जनाब खाद लग गई है, थैले खाली हो गए हैं, और ये जो बीज है मेरा चावलों का दिखाता हूँ, ये देखें। अभी इसको पानी में डाल के जाते हैं ऐसे ही ना, इसको बांध के खाले के अंदर रख देना है, रात सारी पड़ा रहेगा, सुबह इसको छटा लगा देंगे। अभी कपास देख के आता हूँ जाके क्या हालात है अपनी कपास के। हाँ यार ये जो एकड़ है ना, ये मेरा घर का बीज पड़ा था वो लगाया था मैंने, ये ख़ास मज़ा नहीं कराया इसने, निकला है लेकिन कोई इतना कोई अच्छी तरह नहीं निकला। बाकी देखते हैं, इसमें दोबारा बीज लगाना पड़ेगा मेरा ख्याल है, आगे वाली देख के आता हूँ। हाँ जी माशाल्लाह ये ज़बरदस्त निकला है यार, ये देखें, ये ऐसी सीधी लेंस लाइन जो है सामने जा रही है, ये देख, ये परफेक्ट निकला है। ये जो वैरायटी है ये नायाब 78 कहते हैं इसे, और जो दूसरा है वहाँ जो मैंने लगाया उसका नाम है जी SS32। ये तो भाई बड़ा ये भी निकला माशाल्लाह, कहीं कहीं है अभी कसर है थोड़ी सी, या आज दोबारा पानी लगाएंगे इसे, उम्मीद है ये भी निकल आएगा। ये ठीक है माशाल्लाह। यार इधर गांव में ना ज़मीनों पे एक मिथ बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ जी बहुत बड़ा सांप रहता है, कभी आमना सामना तो हुआ नहीं उससे, देखा किसी से किसी ने भी नहीं है, कोई एक आध बंदे ने शायद देखा है, तो बस ऐसे अंदाजे लगाते रह गए थे जी बाबा साहब पर। वो अल्लाह दे वो बंदे हो एनाकोंडा टाइप कोई एवें हो सकता वा, बाबे साहब कितों आ गए अजकल दौर च, बाबे साहब होंगे आ। तो भाई रात 11 बजे पानी है, वैसे ये ना हो कि हम बिस्ती कर रहे हैं बेचारे की बेइज्जती हो फील करके वो आ ही जाए सामने, अल्लाह माफ़ करे। कहते तो बहुत बड़ा है, पता नहीं अब है भी या नहीं,
ये तो अल्लाह को पता है। तो यार खाद हमारी लग गई है अभी, सूरज ये देखे मेरे पीछे गरूब हो रहा है, मुँह ही काला करता यार सूरज ने तो साडा। तो यार अभी दोबारा जाते हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं और रात को आएंगे पानी लगाने। यार ये जो जगह है ना, ये मैंने सारी रखी समय लेकर टेंट का, टेंट लगाने के लिए। बड़ा शौक है टेंट लगा के रहने का। आज अगर कल वाला मौसम होता ना, कल बारिश अच्छी खासी हुई है, तो यार मैंने ले आना था टेंट अपने साथ, यहाँ रात लगा के सोते आए हैं चस आ जानी जी। रात का 3:30 बजे का टाइम है और बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं तो घर आ गया था, लड़के बेचारे ज़मीनों पे हैं। मेरी और पानी आ रहा है छत से, कच्ची छत है मेरी, ये देखिए यहाँ से लीक हो गई है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया हमारा और रात बारिश ने भाई भगा दिया था। बाहर लेटा हुआ था मैं, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, उसके अंदर आया हूँ लाइट चली गई, उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो अभी उसको पनीरी का जो हमने वो चावल का जो बीज भिगोया था उसको छटा लगाना है जाके, उससे पहले काम कर रहे हैं कि जो सरसों है ना उसको उड़ा रहे हैं, उसके अंदर गंद बहुत है तो उसकी सफाई करते हैं, तेल निकलवाना है क्योंकि अचार डालना है, अचार के अंदर तेल की जरूरत पड़नी है, तो तेल घर में था रही है, मैंने कहा सरसों ले जाता हूँ यहाँ से, तो अभी वो साफ कर रहे हैं। यार सरसों साफ की है, लड़के के साथ साफ करवाई है भाई, इतनी हबस है ना आज बारिश के बाद, बड़ा ही मौसम ना अजीब सा हो गया। अभी ये देखें ये थैला, ये बड़ा 24 किलो मैंने इसको इसका वज़न किया था और जब सफाई की है उसके बाद 1.5 किलो कम हो गया, इतना गंदा निकला है इसमें इसमें से। यार थोड़ा सा अभी हवा लेता हूँ, पसीना सुखाता हूँ, फिर जाता हूँ ज़मीन पर, देख के आता हूँ वहाँ बारिश ने क्या किया है, क्या सूरत हाल है वहाँ की। तो उसके बाद चलते हैं जी घर अपने, अचार दिखाता हूँ आपको। ये रहा जी माशाल्लाह आम का अचार, सरसों इसके लिए लेके जा रहा हूँ, इसका तेल निकलवा के ना तो इसमें डालेंगे। अभी भी यार सही से साफ नहीं हुआ, हल्का फुल्का सा गंद रह गया है, लेकिन बस ठीक है, गुजारा हो गया, जो बहुत ज़्यादा था ना वो निकल गया। यार किसी की चकोरें आ गई हैं इधर, इतना गंद निकला है भाई टेस्ला भर के। ये इलोन मस्क की टेस्ला इधर हमारे पास मौजूद है, इसको हमने गंद से भर दिया जी भाई। बड़ी हबस है यार बारिश के बाद, अच्छी खासी हबस हो गई है, आवाज़ चल रही है लेकिन ख़ास लग नहीं रही, पानी हमारा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कपास अब देखते हैं, दुआ कीजिएगा कि ये जो मेरा 1 एकड़ जो कम निकला है ये भी अब निकल है, शक तो यही था कि पानी जो है ना बीजों तक सही तरह पहुँचा नहीं पिछली दफ़ा, तो आज वैसी बारिश होगी ऊपर से, अब अल्लाह खैर करे क्या बनता है। बाकी पनीरी जहाँ लगानी है वो भी दिखाता हूँ आपको जाके। यार ये जगह बनाई है पनीरी के लिए, क्योंकि 1 एकड़ से मैंने ज़्यादा लगाना है चावल, तो ये जगह बनाई है। अब लड़का गया हुआ है भैंसे बांध रहे, वो आता है तो उसके अंदर चट्टा करेगा, मुझे देर हो रही है, तो यार मैं निकलता हूँ यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो यार इतनी मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार। इसी के साथ यार आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।